अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। कहाँ से आए हैं? जी हम यहीं लाहौर से ही आए हैं। लाहौर से ही आए हैं। आपका हिडन टैलेंट क्या है? गाना गा लेते हैं, पोइट्री कर लेते हैं क्या? मैं सिर्फ घूम लेता हूँ, मेरा हिडन टैलेंट यही है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। कितना घूम लेते हैं? घूम तो मैं बहुत सारा लेता हूँ, जितना घुमाया जाए दिन रात। बस ज़्यादा ना घूमना, दिन रात के चक्कर ही आने लग जाए। बस चक्कर नहीं आते, अभी आपके सामने ही घूम रहे हैं, इनके पास आए हुए हैं हम और ये हमें घुमा रहे हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास रिक्शा होता तो आप उसके पीछे क्या लिखवाते? खैर नाल जाते खैर नाल आ। किथे जाते किथे आ? खैर नाल घर जाते खैर नाल घर आ। खुद भी घूमता रहता है और इसे लिखवाना भी ऐसा ही है कि खैर नाल जाते खैर नाल आ। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। दो प्यारी सी बहुत खूबसूरत सी लड़कियाँ मुझे मिली हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उंजेला। कैसे? और मुझे लगता है कि मैं इनसे शायद मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे रिजेम्बलेंस फील हुई। अच्छा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? कुछ भी नहीं, अच्छे से नहाना। लोग प्यारे नहीं होते, वो अच्छे से नहाते नहीं है। पता नहीं, ये तो मम्मा का कमाल है। हाँ, जिनकी मम्मा प्यारी हो अक्सर औकात जो है ना औलाद अच्छी होती है। अक्सर लोग ना अपने माँ बाप से गिला कर रहे होते हैं कि आप प्यारे नहीं हैं, इसलिए हम भी प्यारे नहीं हैं। नहीं, हमारे वालिदैन बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत भी रखे उनको। मेरा आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर आपके पास रिक्शा होता तो आप उस पर क्या लिखवाते? ये सब मेरी माँ की दुआ है। ये सब मेरी माँ की दुआ है। और आप क्या लिखवाती? मैं भी यही लिखवाती। अगर कुछ फनी कहूँ लिखवाने का तो क्या लिखवाती? सजना तेरे पीछे रुलते गए हैं पर चस पड़ी आई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सजना तेरे पीछे रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। आप भी यही लिखवाती? जी। चलें भाई, मुझे लगता है दोनों ने मिलके एक ही रिक्शा लेना है, इसलिए सेम सेम उनके वर्ड्स और चल रहे हैं अभी तक। टैलेंट है आप में, हिडन टैलेंट जो अभी तक किसी को पता ना हो? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। सिंगिंग, पोइट्री कुछ भी नहीं? सिंगिंग करते हैं बस। फिर वो सिंगिंग करें ना आप? नहीं नहीं। दो लाइंस तो हम सुनेंगे। उनकी मम्मा ने भी कह दिया कि बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं। ये ले। ताना बाना बुनती हवा, हाय बुनती हवा, बूंदे भी तो आई नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहाँ है। जड़े जड़े की ओड़े पिया, ओड़े पिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ मेरे अलावा, मैं झूठ नहीं बोलती। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। मेरे अलावा सारी लड़कियाँ झूठी हैं, तो ये भी झूठी है? हाँ, ये झूठ बोलती है। अच्छा, लड़कियाँ तो फिर डांट भी पड़ती है मेरे से, झूठ नहीं बोला करो। सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलती है? कैमरा में देखे ना, झूठ छोटी छोटी बात पे बोलने लग जाएगी। अगर घर में कोई नुकसान कर देगी तो कहेगी नहीं वो मैं ये वो, बस बात खत्म हो जाती है। अच्छा, वैसे लड़कियाँ सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कियाँ मैं क्रीम नहीं लगाती। मैं क्रीम नहीं लगाती, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा वाकई यही शायद झूठ बोलती हैं। आप कुछ झूठ बताना चाहें लड़कियों का? ये मुझे बहुत मासूम लग रही है, इस पर बहुत जुल्म होता होगा घर पे। नहीं, ये बहुत शरारती है घर में, बट ये शरारती करके साइड फट जाती है ना बच्चा। बहुत ज़्यादा शर्मीली है थोड़ी। चले यार, अलबत्ता गर्ल्स थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।